कहते हैं समाज सेवा करने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मंजिल आसान हो जाती है। गौरी जैन ने अपने पति की पुण्यतिथि के अवसर पर मुरादाबाद के दो स्थानों पर 5 रुपये में भरपेट भोजन के लिए एक रसोई की शुरुआत की है, जिसमें आप सबकी रसोई कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि 5 रुपये में भरपेट सभी को खाना खिलाया जाए और समाज की सेवा की जाए। गौरी जैन का ये कहना है कि समाज की सेवा करना ही उनका लक्ष्य है। मुरादाबाद के प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय पंकज कुमार जैन की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सबकी रसोई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही समाज के लोगों को यह संदेश दिया गया कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना ही हमारा मकसद है। इसके लिए शहर के कई स्थानों पर आप सबकी रसोई की शुरुआत भी की गई है। रविवार को मुरादाबाद महानगर के दिल्ली रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौराहे पर जैन टायर वालों के पास समाज सेविका गौरी जैन द्वारा आप सबकी रसोई की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय पंकज कुमार जैन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और रसोई की शुरुआत की गई, जिसमें सभी भारी संख्या में पहुंचे राहगीरों ने 5 रुपये में भरपेट भोजन किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा ये बताया गया कि शहर के 2 स्थानों पर इस रसोई की शुरुआत की गई है, जिसमें 5 रुपये में भरपेट सभी को खाना खिलाया जा रहा है, जिससे खाना खाने वाले लोगों का सम्मान भी बना रहे और समाज में एक जागरूकता का संदेश भी दिया जा सके। कार्यक्रम में समाज के बुद्धिजीवियों का भरपूर योगदान रहा और इस कार्यक्रम की भी सराहना की गई। गौरी जैन द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्य को लेकर अपील की जा रही है और उद्देश्य ये है कि सभी लोग समाज की सेवा के लिए आगे रहें। ये हमारे आप सबकी रसोई के नाम से एक रसोई चला रहे हैं हम लोग, जो हमारे रितु बिश्नोई जी और क्या नाम रवि यदुवंशी भैया हैं, वो लोग इसके मेन कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसका शुरुआत की है और मैं इसकी मेंबर हूँ, बहुत संयोजिका हूँ मैं इसकी। और आज हमने जो ये स्पेशल एक रसोई रखी हुई है, मेरे हस्बैंड पंकज जैन जी हैं, आज इनकी तृतीय पुण्यतिथि है, इनकी याद में आज हमने ये काम किया है। आज 2 रसोई हम 2 जगह पे हम करने जा रहे हैं। आज पहले तो हमने यहाँ जैन टायर्स के सामने पहली रसोई जो आज 11:30 बजे हर हफ्ते ही शुरू होती है, और दूसरी हमारी शाम की रसोई है जो इंपीरियल सिनेमा के सामने 4 बजे से शुरू होगी। ये रितु जी बताएंगी आपको रसोई के बारे में, ये इन्होंने क्या इसका कारण था शुरू करने का। नमस्कार सभी को, रितु बिश्नोई का बहुत बहुत प्रणाम है और नमस्कार है। ना जाति से ना धर्म से कार्य करेंगे कर्म से, ये हमारा नारा है, क्योंकि हमें जो भी हमने ये रसोई शुरू की है वो सब महानगर वासियों के सहयोग से शुरू हुई है और सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। ये संयोजिका है आप सबकी रसोई की। बसंत पंचमी के दिन हमने इस रसोई की शुरुआत की थी। हर मंगलवार को और हर रविवार को ये रसोई लगाई जाती है, रविवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने और मंगलवार को जैन टायर वालों के सामने। और विशेष रसोई होती है मंगलवार को, क्योंकि उसमें किया जाता है पूरी और सब्जी का वितरण। तो सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि हमारा जो उद्देश्य है फ्री नहीं बल्कि फ्री जैसी सुविधाएं हमारा देना उद्देश्य है। तो सारे महानगर वासियों से मेरा ये अनुरोध है, कृपया आप लोग आइएगा और इस पुण्य काम में अपना साथ और सहयोग अवश्य दीजिएगा। आप लोग किसी बच्चे के जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे, पुण्यतिथि पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे, किसी भी तरह से आप लोग ये रसोई प्रायोजित कर सकते हैं या मासिक सदस्य भी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।